You are looking English with Nishan. The topic of today is the use of was and were. आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने sentences के अंदर was और were का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि was कहाँ use होगा और were कहाँ use होगा। और खास तौर पर जो स्टूडेंट होते हैं इनमें कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम इस लेक्चर को देखते हैं। तो अगर आप काइंडली अगर तवज्जो से इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप कि आपका ये जो इशू है वाज और वर का ये खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वाज और वर क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाज और वर है इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि बाज़ अवकात सेंटेंसेस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को, क्लासेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कुछ वर्ब चाहिए होते हैं, तो वहां पर हम बाज़ और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में इज एम आर को देखा था, उनको भी हम लिंकिंग वर्ब भी कहते थे, इसी तरह ये भी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पास्ट टेंस कौन सा होगा, आप देखते हैं कि उर्दू के सेंटेंस पता है कि ये सिंपल सेंटेंस में एस बी ओ का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। एस मीन आपका सब्जेक्ट होता है, और आपको पता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे अभी आ गया नाउन हो गया, ही शी आई हो गया, या प्रोनाउन हो गया। वर्ब से भी इस्तेमाल होता है वर्ब, जैसे हमने वाज और वर्ब को कहा कि लिंकिंग वर्ब होते हैं। और ओ से मुराद ओ मींस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है एस वी ओ का। सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास वाज का यूज है कि ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दिस दैट आई, या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करते हैं। इसी तरह इसी जो वाज है इसको हम अपना सिंगुलर नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका यूजर्स था। इसके साथ हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो वर है, उसमें हम देखते हैं कि वर्ब कहां पर यूज होता है। तो यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दीज, दोज, या प्लूरल नाउन आ जाए, तो इन सब के साथ हम वर्ब का इसके साथ वाज लगता है। इन्हीं सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो याद रखिए हम इनको नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव में जब चेंज करेंगे स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज आएगी। एस हमने यहाँ पर एस वी ओ लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा एस वी नॉट ओ। एस वी नॉट ओ, नॉट का मतलब है कि ये सेंटेंस जो नेगेटिव का है। देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, अली वाज नॉट हैप्पी। अली क्या है, सब्जेक्ट है, वाज आपका वर्ब है। यहाँ पर नॉट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई वाज नॉट स्टूडेंट, यू वर नॉट लायर, तो ये आपके नेगेटिव के सेंटेंस हैं। इसी तरह हम इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा, ये वी एस ओ हो जाएगा, यानी कि पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। मैंने एग्जांपल लिखी है, इससे आपको ये समझ आएगी कि सेंटेंस वाकई इंटरोगेटिव के ऐसे ही बनते हैं। वाज अली हैप्पी, वाज आई स्टूडेंट, वर दे एब्सेंट, वर वी फ्रेंड, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये आपका इंटरोगेटिव है। तो मैं इसको बाइंड अप करता हूं। तो देखिए हमने आज क्या पढ़ा, यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ा, तो हमें पता चला कि जब पास्ट टेंस आ जाए या किसी फिक्रे के आखिर में था, थी वगैरह आ जाए, तो हम वाज और वर्ब का यूज करते हैं। हम इसे हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वाज कहां यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ होगा, ही शी इट के साथ होगा, दिस दैट और आई के साथ होगा। और इसके साथ वर्ब कहां यूज होता है, यू के साथ, दे, वी के साथ, दिस, दोज, प्लूरल नाउन के साथ होता है। इसका स्ट्रक्चर एस वी ओ होता है, नॉट में एस वी नॉट ओ आ जाएगा, और इंटरोगेटिव में वी एस ओ और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें इश्यूज हो तो आप इसमें कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ आए, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।